फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुज किचन ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी से, और आज है संडे। तो संडे के दिन आज क्या है, आज है गणपति जी का विसर्जन। तो मैंने सोचा चलिए आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, और पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, वो सनी खेल रहा है इसीलिए। और मेरी देवरानी भी आई हुई है, मेरे देवर आए हुए हैं, मेरी सासू माँ जी आई हुए हैं, तो सभी लोग आए हुए हैं, तो सभी लोग मिलकर करेंगे गणपति जी का विसर्जन। तो हमारे यहाँ पर क्या क्या होता है वो सब मैं आप लोगों के साथ में आगे वीडियो में शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और अभी मैं बनाने जा रही थी खाना, क्योंकि खाना जो बना रही हूँ उससे गणपति जी का भोग लगेगा और पूजा करेंगे हम लोग गणपति जी की, क्योंकि उसके बाद ही सब लोग खाना खाएंगे और उसके बाद सब लोग मतलब विसर्जन के लिए जाएंगे करेंगे गणपति जी का। और खाने में मैंने क्या बनाया है, मैंने बनाया है मूंग की दाल की कचौड़ियाँ बनाऊंगी। और मूंग की दाल की कचौड़ियाँ क्या है कि मैं ना मूंग की दाल को पीस के फिल नहीं करती हूँ उसके अंदर, मैं आटे के अंदर ही मिक्स कर लेती हूँ। तो मूंग की दाल को पहले भिगो देती हूँ 2-3 घंटे के लिए, और उसके बाद उसको फिल करती हूँ, उसके अंदर नमक मिर्च मसाले सौंफ हींग धनिया सब कुछ मिला के मिक्स कर लेती हूँ मिक्सी में पीस कर, और उसके बाद उसको अदरक वगैरह सब कुछ डाल के मिक्स करती हूँ, मतलब अदरक भी डाल लेती हूँ उसमें, थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल लेती हूँ मिक्सी में पीसने के लिए, और सबको मिक्स करके आटे में गूंथ लेती हूँ अच्छे से। तो जिससे ना डो अच्छे से बन जाता है, उसको फटने का भी डर नहीं रहता, और वो कचौड़ी भी बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे कि मूंग दाल की कचौड़ियाँ लगती हैं, और मैं हमेशा वही बनाती हूँ। और उसके साथ में बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी सिंपल जो बनती है वही बनाई है, आलू की सब्ज़ी थोड़ा गाढ़े वाली रेसे वाली, और जो कि हलवाई वगैरह भी बनाते हैं। और साथ में बनाई है खीर, क्योंकि हमारे जो गणपति जी हैं उनको खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो खीर बनाना ज़रूरी था, तो मीठे में खीर बनाया है उनके लिए। तो अभी बस मैं वही खाना तैयार कर रही थी, क्योंकि गणपति जी की पूजा करनी है हमें और उनका भोग लगाना है, तो चलिए मैं खाना वाना तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी मतलब रिफाइंड वगैरह करवा दिया है गैस पे गरम करने के लिए, और जब तक रिफाइंड मेरा गरम होता है तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की है, प्रिपरेशन क्या क्या तैयारी की है वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये है आलू की सब्ज़ी, ये है आलू की सब्ज़ी जो कि हलवाई वाली होती है, वैसी ही मैंने कोशिश की है बनाने की, और रेसिपी मैंने शूट नहीं की है क्योंकि गणपति विसर्जन जी की वीडियो बनानी है मुझे, तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये देखिए ये है आटा, मूंग की दाल का आटा कचौड़ी वाला, तो इसी से मुझे कचौड़ियाँ तली हैं। और इधर मेरा रिफाइंड गर्म हो रहा है, ये देखिए ना, तो इसमें देखिए मिर्च आपको दिखाई दे रही होगी, मिर्च डली हुई है, धनिया है, आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो अगर आपको अजवाइन पसंद है, तो जो आपका मन करे वो कर सकते हो। और यहाँ पर बनाई है मैंने चावलों की खीर, देखिए यह चावलों की खीर, और मखाने वगैरह मैंने नहीं डाले इसमें, सिर्फ काजू और बादाम डाले हैं। और ये देखिए, ये हैं सिंगाड़े, ये जो कि मैंने बॉईल करके रखे हैं, मतलब कच्चे लाए थे ये, लेकिन 2 दिन से ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैंने इनको ना बॉईल कर लिया था। तो बस अब मैं कर रही थी पूरी की तैयारियां, कचौड़ियों की तैयारियां। और किचन को प्लीज़ देखकर माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा फैला हुआ है, थोड़ा मैसी है, वैसे मैंने काफ़ी कोशिश की थी संगवाने की, बट मॉर्निंग का टाइम ऐसा ही होता है, सारा काम मतलब फैला हुआ ही होता है। और इधर सनी भी मेरे को परेशान करने लग रहा था, वो भी बार बार ना सामान उठा कर ले जा रहा था, ये देखिए। और यहाँ पर मैं पूरियाँ बना रही थी अभी, तो ये कचौड़ियाँ मैं मतलब उसके लिए बना रही थी जो हमारे यहाँ पे जो गणपति जी हैं उनको भोग लगाना है, तो उसी के लिए मैं 8 पूरियाँ बना रही थी पहले, कि 8 पूरियाँ पहले उनके लिए बना देती हूँ, बाकी की पूरियाँ हम लोग खाने की बाद में बनाएंगे, पहले भोग लगा लेते हैं। तो आप में से किस किस के यहाँ पर गणपति जी रखे जाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में तो हमें भी नहीं पता है, बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं जानती हूँ, बट जितना भी जानती हूँ उतना ही मैं कर रही थी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है पूजा पाठ के बारे में, लेकिन जितना भी आता है उतना ही मैं कर रही थी। तो अभी तो मैं पूरियाँ ही तल रही थी, तो पूरियाँ तलते तलते ही मुझे ध्यान आया, मैंने ना ये स्टील की कढ़ाई ली थी
की सब्जी वगैरह बनाऊंगी, बट ये सब्जी के पर्पस से नहीं है ये स्टील की कढ़ाई, तो सोचा मैंने आपको भी बता दूं ये बात। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूरियाँ तैयार हैं और ये देख सकते हो आप, ये तो एक भी पूरी फूटी नहीं है, मतलब कचौड़ियाँ ऐसी की ऐसी हैं, देखिए एक भी कचौड़ी फूटती नहीं है अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो। चलिए अब थाली लगा लेती हूँ फटाफट। तो देखिए थाली मेरी लग गई है, खीर पूरी और सब्जी है ना, तो अभी कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। पूजा के लिए मैंने मंगाए हैं मिठाई और फूल, तो निकाल लेते हैं ना, ये देखिए ये है फूल और ये है मिठाई है ना। तो मिठाई तो मैं ऐसे ही रख दूंगी प्रसाद में, और ये फूल मैं प्लेट पे निकाल लेती हूँ। हम कर लेते हैं पूजा की बाकी की तैयारियां। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई थी इधर रूम में, और इधर देखिए मैंने पूजा की तैयारी भी लगभग कर ली है। बस देखिए यहाँ पर मैंने रख दिया अपना प्रसाद, इसको खोल दूंगी मैं अभी, और यहाँ पर अपना खाना भी रख दिया है मैंने, और यहाँ पर जोत की तैयारी भी कर ली है मैंने नीचे, ठीक है। और देखिए ये देखिए मैं क्या लेकर आई थी, मैं लेकर आई थी ये जोत पर ढकने के लिए, मेरे पास नहीं था ये, और जिसकी वजह से मतलब क्या होता था कि जैसे दिया जलता होता था ना, तो फैन वगैरह चलता होता है कुछ भी, तो जिसकी वजह से दिया बुझ जाता था, या फिर मतलब थोड़ा सा सनी का भी डर रहता था, लगा रहता था, तो इसीलिए मैं ये ले आई थी ये देखिए। और अभी मैं फूलों की माला भी अपने गणपति जी को पहना दूंगी, और थोड़े से फूल एक्स्ट्रा मंगाए थे मैंने, ताकि जिस टाइम विसर्जन होता है तो उस टाइम भी हमें थोड़े से फूल चाहिए होते हैं, तो इसीलिए थोड़े फूल एक्स्ट्रा मंगा लिए थे मैंने। तो चलिए फिर पहले मैं ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे पूजा करने के लिए, और मैंने बहुत सारी क्लिप को कट करना पड़ा मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी वीडियो इसीलिए। और यहाँ पर मैं कान्हा जी भी बिठाऊंगी मैं यहाँ पर अभी, और यहाँ पर मैंने गणपति जी को पहना दिए थे माला, और यहाँ पर सब लोग बैठ गए थे पूजा करने के लिए, और सनी बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था वो। और आज मैंने ये दुपट्टा मल्टी कलर का क्यों पहना है, ग्रीन कलर के सूट के साथ में, आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट पता है क्या होता है काम के टाइम पे ना, ये याद नहीं रहता कि हम क्या पहन रहे हैं क्या नहीं। छुट्टी का दिन है, सभी बच्चे सब लोग घर में हैं, तो जो भी मेरे हाथ में लगा बस वही पहन लिया, और थोड़ा सा बस ये होता है ना, ब्लैक नहीं लेना चाहिए पूजा के टाइम पे सर पे, और बाकी कोई वो नहीं होता है इशू कोई भी कलर हो, तो मैंने बस यही ले लिया था, मुझे यही सही लगा तो मैंने यही डाल लिया था। और यहाँ पर हो रही थी पूजा, तो पूजा वगैरह के मैंने बहुत सारी क्लिप को कट कर लिया था, बीच में आरती वगैरह भी की थी हमने, और यहाँ पर अभी पूजा हो चुकी थी, तो ये बात की क्लिप्स हैं पूजा के होने के बाद। और यहाँ पर देखिए सनी बिल्कुल भी मतलब रुक नहीं रहा था, एक सेकंड भी वो बैठा नहीं, और यहाँ पर देखिए वो भी ना आरती लेगा भी भगवान जी से, ये देखिए इस तरह से है ना, तो इस तरह से वो ले लेगा आरती। और सभी लोगों ने मिलकर पूजा की थी, बच्चे लोग मतलब बहुत इंजॉय करते हैं इन दिनों को ना, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और बाद में तो रीशू भी बोल रहा था कुछ, तो पता है यहाँ पर रीशू पता है क्या बोल रहा था, रीशू बोल रहा था कि अब गणपति जी जा रहे हैं तो अब हमारी खीर की मिठाई बंद हो जाएगी, मतलब डेली उन्हें कुछ ना कुछ नया खाने के लिए मिल जाता था इसी बहाने से, गणपति जी के बहाने से, तो बच्चों को वही चीज़ याद आ रही थी कि उन्हें मतलब वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, गणपति जी का जो खाने का वो था मतलब प्रसाद वगैरह मिलता था वो चीज़ें फ्री की बंद हो जाएंगी। और यहाँ पे ना मेरा कैमरा सेट हो रहा था, तो बच्चे ना बड़ा इंजॉय कर रहे थे, बच्चों को बड़ा अलग लग रहा था और अलग अलग तरीके से एक्टिंग कर रहे थे। और सनी को देखिए, सनी तो पूरी मस्ती में था, और सभी लोग मतलब अलग अलग तरीके से मतलब इंजॉय कर रहे थे सब लोग पूजा को। यही होता है ना, सब लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोग मतलब घर में पूजा करते हैं एक साथ बैठ कर, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। और हर साल गणपति बाबा इसी तरह से हमारे घर आए, बस इसी कामना के साथ हमने आज की पूजा की। तो फ्रेंड्स, पूजा वूजा करने के बाद हम लोग, क्या हुआ, ये नहीं खुलेगा बाबू, नहीं खुलेगा, ये देखना ये मुझसे ये कह रहा है, ये खोल दो, ये खोल दो, ये नहीं खुलेगा, ये
रेडी है ना, मारो नीचे से भी थोड़ी देर में। दिखा रहे हो आप ये, कि कौन सा कलर है, विच कलर। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी पूजा वूजा सब हो चुकी है, खाना वाना हमने खा लिया उसके बाद में, और अभी शाम के हो रहे हैं, 4 बज रहे हैं, और अभी हम लोग जाने वाले गणपति जी का विसर्जन करने के लिए। तो कैसे कैसे करते हैं हम लोग गणपति जी का विसर्जन, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं गणपति जी का विसर्जन करने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को, और यहाँ पर हम लोग अपने गणपति जी को लेकर चल दिए नीचे गणपति जी विसर्जन के लिए। तो यहाँ पर हम दोनों ने उठाए गणपति जी अपने, और जा रहे हैं गणपति जी का विसर्जन करने के लिए। तो यहाँ पर ये कुछ कह रहे थे मुझसे, तो मैंने उनको बोला कि मैं लाइट वगैरह बंद करके आती हूँ, आप चलो तब तक नीचे, क्योंकि हमें जाना है कहीं बाहर गणपति जी का विसर्जन करने के लिए। और यहाँ पर मेरी बड़ी वाली डॉटर लेकर खड़ी हुई है फ्लावर फूल थोड़े से रोज वाले, और ये देखिए सब लोग उतरने लगे नीचे धीरे धीरे। और अभी सब लोग ना बाहर आ गए थे, हम लोग घर के बाहर आ गए थे अपने मेन गेट पर, तो यहाँ पर सब लोग फोटो वगैरह क्लिक कर आ रहे थे, क्योंकि फ़ोटो का बच्चों का बड़ा शौक होता है थोड़ा सा, तो सभी लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई थी। ये है कुहू लव्य, सभी लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई, और बड़ा अच्छा सा लगता है, मतलब बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें ना, इनके लिए तो नया था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये लोग गणपति जी के टाइम पर आए थे, और ऐसा पहली बार हुआ है कि वो सब लोग घर में थे गणपति जी विसर्जन के टाइम पर। तो अभी हम लोग ना गाड़ी से जा रहे थे, तो सब लोग यही डिसाइड कर रहे थे कौन किसकी कौन सी गाड़ी में बैठ कर जाएगा। एक्चुअली मेरे देवर के पास भी गाड़ी थी और हमारी वाली गाड़ी भी थी, एक गाड़ी में सब लोग नहीं आ पाते इसीलिए, तो सब लोग दो गाड़ी से जा रहे थे। और हम लोग ना गए थे नहर पर, मतलब ये नदी है यहाँ पर ना, थोड़ा कम पानी था, बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, एक बहुत बड़ी वाली नदी भी है यहाँ पर जिसको बोलते हैं नहर, लेकिन वहाँ पर हम लोग नहीं गए थे क्योंकि हमारे साथ में ना सारे बच्चे थे, इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं गए, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा डर रहता है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा पानी होता है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग थोड़ा कम पानी है यहाँ पर लेकिन चलता हुआ पानी है, तो हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पर प्लेट में फूल थे और यहाँ पर गणपति जी थे, और गणपति जी के साथ में ना कहते हैं 10 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का उनके साथ ज़रूर जाता है, तो वही हम लोगों ने दिया था इसी कामना के साथ कि गणपति जी अगले बरस हमारे घर जरूर आएंगे, और अगले बरस भी हमारे घर में सुख शांति और खुशियां लेकर आएँ खूब सारी, तो इसी कामना के साथ हमने गणपति जी को किया विदा, और फूल भी डाल दिए थे थोड़े से जो भी थे, और बस अभी हम लोग फिर घर आ जाएंगे उसके बाद। तो बस ऐसे ही किया था हमने अपना गणपति जी का विसर्जन। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए घर पे गणपति जी का विसर्जन करके, और गणपति जी हमारे चले गए हैं हंस के हंसा के रो के रुला के, और अगले बरस जल्दी से आएँ बस इसी कामना के साथ हमने किया है उन्हें विदा, और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ हमारे घर में। और यहाँ पर देखिए सब फैला हुआ है अभी, तो ये सब मैं साफ़ करूँगी कल, क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, नाइट का टाइम है, तो अभी मुझे बहुत सारे काम हैं करने हैं जो घर में, मुझे खाना बनाना है, बर्तन साफ़ करने हैं, और क्लीनिंग करनी है, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं, कल बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा। और बस गणपति जी चले गए हैं, तो अभी हो जाएंगे श्राद्ध स्टार्ट, और श्राद्ध में क्या क्या होता है कैसे कैसे होता है वो सब आपको आगे देखने के लिए मिलेगा वीडियोज़ में। तो फिर चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और
मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी अपना वैक्सीन एक्सपीरियंस कि मेरा सेकंड वैक्सीन एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।